मध्य प्रदेश में बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए सुझाव पेटी पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह ने भी इस पर निशाना साधा है। अजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के तमाम हथकंडे फेल हो चुके हैं। 18 साल में जनता ने जो भी सुझाव दिए उस पर अमल नहीं किया गया। अब जनता से सुझाव मांगने का आखिरी मौका है। कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर बोले कि हमारा 90% काम पूरा हो गया है। वचन पत्र जिला स्तर पर भी तैयार होगा। फिलहाल वचन पत्र गोपनीय है, इसे प्रभावशाली रूप से लेकर आएंगे। जैसा देश वैसा भेष। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं कि धर्म सिर्फ उनके ही लिए है और हम लोग धर्म की बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही उनका सोच गलत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, आप लोग वाकिफ हैं कि मैं निरंतर भोपाल में स्वामी अवधेशानंद जी की कथाएं कराता था। तब तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पूरे मध्य प्रदेश में कथा नहीं कराई थी। तो हिंदुत्व मामले को लेकर हम भी हिंदू हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन चुनाव के समय दृष्टिकोण बदल जाता है और हर चीज जो उनको अच्छी नहीं लगती उसको थोपने में हम लोगों के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए